मैहर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला बना दिया, जिसकी खुशी मैहर वासियों में है। इसी खुशी को जाहिर करते हुए युवा व्यवसायी दीपक अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। दीपक अग्रवाल ने कहा कि ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। मैहर को जिला बनाने के लिए हमारे विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा बहुत पहले मांग रखी गई थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी ये प्रस्ताव बजट में पास हो चुका था, लेकिन इस पर अमल शिवराज सरकार ने किया। विधायक नारायण त्रिपाठी के कारण ही मैहर जिला घोषित हुआ है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के चुनाव लड़ने के सवाल पर दीपक अग्रवाल ने कहा कि यदि विंध्य की मांग को लेकर भाजपा सजग रहती है तो वो सरकार के तरफ रहेंगे, नहीं तो विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। दीपक अग्रवाल ने कहा कि मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूँ जिन्होंने मैहर को जिला बनाने में योगदान दिया। देखिए, अभी आप मैहर को जिला घोषित करने के बारे में बोलेंगे, कोई आनंद फानंद वाली बात नहीं थी। सभी को, सभी जनता को पता था कि मैहर जिला बनना है। ये हमारे विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने बहुत पहले मांग रखी थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय भी ये बजट में पास हो चुका था। पर अमल आज शिवराज सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है, जो कि सच्चाई है, लोगों को स्वीकारना चाहिए। पर जो मेन मुद्दा ये है कि हमारी बात मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाया किसने, तो जिसने पहुंचाने वाला तो मेन हमारे मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ही थे जो वहां तक बात रखे। आज उन्हीं के कारण मैहर को जिला घोषित किया गया और अमल किया गया शिवराज सरकार ने। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।